हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे से यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग कार्य पत्रिकाचार के बारे में बात करने वाले हैं, जो सामाजिक विज्ञान भूगोल सब्जेक्ट से ली गई है और कक्षा सात की। आज की तिथि क्या है? 30/7/2021। बच्चों यहाँ पर क्या करना है? अपना नेम लिखना है, यहाँ अपनी टीचर का नेम लिखना है। इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूँ बच्चों तो कि आप सभी के लिए हर वीक आती है एक थैंक्स वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, आपके कमेंट को शो करते हैं और आपका नाम लेते हुए थैंक्स बोलते हैं। तो आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में अपना नेम लिखकर जो भी सजेशन आप देना चाहते हो दे सकते हो। आइए देखें इसमें क्या दिया गया है। इसमें बोला गया है कि प्यारे विद्यार्थियों, आपने ग्लोब मानचित्र पर देश, महाद्वीप, महासागर के अलावा कुछ खड़ी और आड़ी रेखा को देखा होगा। आपने क्या है, ग्लोब पर जो है, ग्लोब पर या जो मैप्स आते हैं या मानचित्र जो आते हैं, उनमें देशों के साथ साथ या महाद्वीपों या महासागरों के साथ साथ कुछ खड़ी लाइनें देखी हैं और कुछ क्या है, अड़ी हुई यानी लेटी हुई लाइनें आपने देखी हैं। क्या आपने कभी सोचा ऐसा क्या क्यों किया गया है? आपके दिमाग में कभी ऐसा आया है कि ये जो लाइनें हैं इनको इस प्रकार से क्यों मैप पर बनाई जाती हैं या ग्लोब पर बनाया जाता है, जबकि पृथ्वी पर वास्तव में कोई भी ऐसी रेखा खींची ही नहीं गई है? ठीक है, और वास्तव में पृथ्वी पर ऐसी कोई भी रेखा जबकि खींची नहीं गई है, तब भी ऐसा क्यों किया जाता है? तो पृथ्वी को समझने के लिए काल्पनिक संदर्भ रेखा, ठीक है, यानी कल्पना कर रेखाएँ बनाई गई हैं जिन्हें देशांतर रेखा और अक्षांश रेखा के नाम से जाना जाता है, ठीक है, को माना गया है। ठीक है, इसके बाद आइए उनके बारे में जानते हैं। इसमें बताया कि आइए उनके बारे में जानते हैं। तो बच्चों आप देखते हो ग्लोब पर कुछ इस प्रकार से क्या हैं, लाइनें, गोल गोल सी लाइनें बनी होती हैं। ठीक है, इन लाइनों को क्या बोला जाता है बच्चों, अक्षांश रेखा बोला जाता है। और जो बच्चों लाइनें क्या हैं ग्लोब पर इस तरीके से खींची हुई होती हैं, इनको क्या बोला जाता है, तो इसे देशांतर रेखा बच्चों बोला जाता है। इसके बाद जब क्या है, इन दोनों लाइनों का कॉम्बिनेशन किसी एक ग्लोब पर बनता है, तो इनका जो एक बॉक्स होता है वो बच्चों क्या कहलाता है, एक डिब्बा क्या कहलाता है, ग्रिड कहलाता है। तो इन्हीं के बारे में आइए जानते हैं। इसमें बोला गया है अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा, देशांतर रेखा में क्या अंतर है? तो याद रखिएगा बच्चों, विषुवत वृत्त से ध्रुव तक की, ठीक है, विषुवत वृत्त से ध्रुव तक की स्थिति को समांतर वृत्तों को अक्षांश कहा जाता है। यानी कि आपको बता दूं, ये जो विषुवत रेखा है, ठीक है बच्चों, एक रेखा है यहाँ पर बीचों बीच पृथ्वी के, जिसे विषुवत रेखा बोला गया है। और यहाँ पर क्या होता है, बिल्कुल पॉइंट पर ये ध्रुव कहलाते हैं। तो इन तक जो गोले बने हुए हैं यानी जो वृत्त बने हुए हैं, इन्हीं को क्या बोला गया है बच्चों, इन्हीं को अक्षांश रेखा बोला गया है। देशांतर रेखा क्या है, तो उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को जोड़ने वाले जो अर्धवृत्त को देशांतर कहा गया है। यानी कि बच्चों देखो, ये उत्तर ध्रुव कहलाता है, ठीक है, और ये वाली दक्षिणी ध्रुव कहलाती है। इन दोनों ध्रुवों को जो जोड़ने के लिए अर्धवृत्त बनी है, यानी आधे जो गोले बने हुए हैं, इन्हीं को क्या बोला गया है, इन्हीं को बच्चों बोला गया है देशांतर रेखा। सबसे बड़ा अक्षांश विषुवत वृत्त पृथ्वी को उत्तर गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध में विभाजित करता है। यानी कि जो यहाँ पर सबसे बड़ा गोला बनता है अक्षांश रेखा का, वो कहाँ बनता है, विषुवत रेखा पे बनता है, और इसे 0° पर भी माना गया है। तो ये जो सबसे बड़ा गोला जो विषुवत रेखा पर बनता है, या जो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा जो विषुवत रेखा पर बनती है, जिसका नाम विषुवत रेखा रखा गया है बच्चों, वो जो है इस पृथ्वी को या इस ग्लोब को क्या करती है, दो भागों में विभाजित करती है। एक भाग कहलाता है उत्तरी गोलार्ध, क्या कहलाता है, उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, और दूसरा भाग क्या कहलाता है, दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। यानी कि नीचे वाला जो भाग है इस रेखा के, वो दक्षिणी गोलार्ध, इसके ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद मुख्य यमयोत्तर 0° पृथ्वी को
पूर्व गोलार्ध और पश्चिम गोलार्ध में विभाजित करती है। यानी कि जो मुख्य रेखा है देशांतर की, वो पृथ्वी को पूर्व गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में क्या करती है, विभाजित करती है, जैसा कि अक्षांश रेखा कर रही थी। अक्षांश समांतर होता है और एक दूसरे से कभी नहीं मिलता, यानी अक्षांश जो गोले हैं वो एक दूसरे से कभी मिल ही नहीं सकते हैं, वो एक दूसरे के समांतर होते हैं, समांतर होते हैं, ठीक है बच्चों। और देशांतर समांतर नहीं होता है और ध्रुव पर एक दूसरे से मिलता है, यानी कि जो देशांतर रेखाएं हैं वो समांतर नहीं होती हैं और ध्रुव पर एक दूसरे से क्या करती हैं बच्चों, मिलती हैं। अक्षांश का प्रयोग ताप काटबंध के निर्धारण में होता है, यानी जो अक्षांश रेखा हैं इनको पृथ्वी के ताप बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। और जो देशांतर रेखा हैं ये पृथ्वी पर क्या करती हैं, समय का निर्धारण करने के लिए इनका स्थानों पर प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसके बाद ग्रिड क्या होती है, तो जहाँ पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बने जाल को ग्रिड कहते हैं, यानी अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा का जो जाल बना उसे ग्रिड कहा जाएगा। और इनका प्रयोग पृथ्वी के वास्तविक स्थिति, जो किसी स्थान की वास्तविक स्थिति है पृथ्वी पर, उसको जानने के लिए किया जाता है। इसके बाद देखिए आपको दिया गया है GMT, यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है। ग्रीनविच मीन टाइम क्या है, ग्रेट ब्रिटेन में स्थित है। इसका जो मान है वो 0 डिग्री देशांतर पर है बच्चों, ठीक है। और इसका आधार विश्व पर, इसी के आधार पर विश्व पर समय का आकलन किया जाता है। इसी प्रकार से भारत में एक रेखा है जिसे 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर को, जो भारत की 82.5 डिग्री पूर्व यानी आधी, ठीक है, पूर्व देशांतर रेखा है, उसे भारत का मानक माना गया है, ठीक है, समय का मानक माना गया है। और इसे IST यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम नाम से जाना जाता है। जहाँ पर भारत का मानक समय ग्रीनविच मानक टाइम से 5.5 घंटे क्या है बच्चों, ज़्यादा है, ठीक है, ग्रीनविच से 5.5 घंटे क्या है, ज़्यादा है। इसके बाद गतिविधियों पर आते हैं, देखिए इसमें क्या गतिविधि दी गई है। पहली गतिविधि बच्चों दी गई है कि दिए गए चित्र को ध्यान पूर्वक देखें, सभी महत्वपूर्ण अक्षांश तथा ताप काटबंध की सूची बंद करें, ठीक है। आपको यहाँ पर देखिए क्या है, एक क्या है, ग्लोब दिखाया गया है जिसमें ये रेखा कौन सी है, विषुवत रेखा है, ये रेखा बच्चों कौन सी है, मकर रेखा है, और ये वाली कर्क रेखा है, ठीक। इसके बाद मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव वृत्त, दक्षिणी ध्रुव वृत्त रेखा के बीच का जो एरिया है इसे क्या बोला जाता है, दक्षिणी शीतोण काटबंध, ठीक है। और जो आपकी कर्क रेखा और मकर रेखा का बीच का ये जो हिस्सा है इसे क्या बोला जाता है, उष्णकाटबंध, ठीक है, क्या बोला जाता है, उष्णकाटबंध। इसके बाद उत्तरी ध्रुव की जो रेखा है और कर्क रेखा के बीच का क्या है, ये जो जोन है इसे क्या बोला जाता है, उत्तरी, ठीक है, शीतोण काटबंध, ठीक है। और याद रखिएगा ये वाला जो है इसे बोला जाता है उत्तरी शीत काटबंध और इसे दक्षिणी शीत काटबंध। तो इसके बारे में मैं डिटेल से आपके क्या करता हूँ, लिखवा देता हूँ, आप सभी अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है, और आपको नोट करना है ये चीज। तो बच्चों आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले लिखना है मुख्य रूप, ठीक है, मैं आपको बताता चल रहा हूँ, वो चीज़ आप लिखते चलिएगा, ठीक है बच्चों, आपको वो चीज़ें क्या करनी है, लिखते हुए चलना है। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे मुख्य रूप से ऊष्मा क्षेत्र, ठीक है, जो मुख्य रूप से ऊष्मा क्षेत्र है वो कौन सा है, उत्तरी और दक्षिणी शीतोण क्षेत्र, ठीक है, इसे नोट कर लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, आप लिखेंगे उत्तरी दक्षिणी शीतोण क्षेत्र और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है, इसको आप क्या कर लेंगे बच्चों, इसको आप क्या कर लेंगे, अपनी कॉपी में नोट करेंगे। इसके आगे आंसर है वो भी मैं आपको क्या करता हूँ, लिखवाता हूँ। तो बच्चों अब उसके आगे आप लिखना प्रारंभ करेंगे, लिखेंगे पहला पॉइंट, पहला लिखेंगे
भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर है, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी डिग्री अक्षांश पर है, ठीक है। इसके बाद मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर है, ठीक है। आर्कटिक सर्किल 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है। और इसके बाद आप क्या कर लेंगे बच्चों, लिखेंगे अंटार्कटिका, क्या अंटार्कटिका सर्किल 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर है। तो ये एक्टिविटी 1 में आपको क्या करना है, लिख लेना है पूरा दोनों चीज़ें, ठीक है बच्चों। इसके बाद बच्चों आपको गतिविधि 2 दी गई है, इसमें बताया गया है कि पता लगाएं भारत में दोपहर में 2 बज रहे हों तो ग्रीनविच पर कितना बज रहा होगा, ठीक है। तो बच्चों देखिए 2 बजते हैं भारत में, ठीक है, 1, 12, 11, 10, 9 और 8, ठीक। भारत का समय क्या है, 5.5 डिग्री 5.5 घंटे आगे चलता है। तो हमने 1 घंटा काटा, 2, 3, 4, 5, ठीक है, और 5 काटा और उसके बाद आधा घंटा और कम कर दिया, तो हमारा आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 8:30 बज रहे होंगे AM के, ठीक है। इसको आप लिख लेंगे आंसर के रूप में इसके, ठीक है। इसके बाद आगे आपकी यहीं पर वर्कशीट होती है समाप्त। आप तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद बच्चों।